कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए हिंदपीढ़ी में 16 मई की शाम जमकर बवाल हुआ। थर्ड स्ट्रीट बंगाली टोला में पूर्व पार्षद मोहम्मद असलम और अन्य लोगों के साथ सीआरपीएफ जवानों की झड़प हुई। इसके बाद कुछ उपद्रवियों ने वहां तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। इलाके की सभी स्ट्रीट लाइटें बंद कर पुलिस जवानों पर पत्थरबाजी करने लगे। अचानक इस हमले से घबराई पुलिस को वहां से भागना पड़ा और करीब 15 मिनट तक उपद्रवी पत्थरबाजी करते रहे। इसी को लेकर घटना की निंदा करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देखिए कल रात हिंदपीढ़ी में जिस तरीके से अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस बल पर और सीआरपीएफ पर जो पथराव किया और जो हमला किया, भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है और हम सरकार से यह मांग करते हैं कि अविलंब इस मामले में लोगों की गिरफ्तारी हो। लेकिन अफसोस, झारखंड की यह ट्विटर सरकार फेसबुक पर पोस्ट करने वाले लोगों को जेल में तो डाल देती है, लेकिन इस तरीके से तमाम विषम परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी निभाने वाले पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवानों पर पथराव करने वाले लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। तुष्टिकरण की हद तो तब हो जाती है जब इस पूरे पथराव के बाद एक जो वहां का तथाकथित नेता है वो 200 लोगों के भीड़ को संबोधित करते हुए कहता है कि प्रशासन ने माफी मांग ली है। तो ये पूरे तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन करके इतने लोगों का जमावड़ा हुआ। और दूसरा, अगर प्रशासन ने सचमुच माफी मांगी है तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। हम झारखंड की ट्विटर सरकार को यह भी चेतावनी देते हैं कि इस तरीके से उनसे जिस तरीके से मोहल्ला नहीं संभाल रहा, अगर आगे भी उन्होंने इसी तरीके से तुष्टिकरण की नीति को अपनाया तो हम अपना कड़ा विरोध और प्रतिकार जारी रखेंगे। बहरहाल हम लोगों ने इसकी सूचना गृह मंत्रालय को भी दे दी है।